शिवपुरी के जिला चिकित्सालय में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां इलाज कराने के लिए भर्ती हुए मरीज की लाश सर्जिकल वार्ड के टॉयलेट में पड़ी हुई मिली। परिजनों ने 9 दिसंबर को कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सीसीटीवी से खुलासा हुआ है। परिजनों ने सोमवार को अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो देवीलाल टॉयलेट में जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद टॉयलेट का दरवाजा खोला तो वो मृत मिला। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कोतवाली SI का कहना है कि पोस्टमार्टम कराकर मौत का कारण पता लगाया जाएगा। परिजनों की शिकायत और बयानों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालचंद साख है। अच्छा, ये जो मरीज थे कौन थे? जी हमारे भाई थे। क्या नाम था उनका? देवी साख। क्या उम्र होगी उनकी? उनकी करीब 40 के लगभग होगी। गोजीपुरा कमलान आर्मों का। क्या शिकायत थी? इनको क्या थोड़ी बीमारी रहती थी, बुखार वगैरह या वैसे वाला रहती थी। ऐसा क्या हुआ जो ये मतलब ये घटना? घटना इनको हमने हॉस्पिटल में भर्ती किया था शुक्रवार को सुबह करीब 8-9 टाइम पे। कितनी तारीख को? शुक्रवार जाने 9 तारीख का था। नहीं, 9 तारीख की बात है। 9 तारीख को किया था भर्ती। तो उसके बाद में क्या उनको लेटी लगी होगी तो अपनी बोतल खोल के नहीं वो लेटी करने अंदर चले गए या बाथरूम करने गए काय के लिए। उसके बाद में वो पहले उनका पता नहीं पड़ा कहाँ है। नदी थाने में हमें कम्प्लेंट की थी, उनकी FRI काट के थी उनने हमको। कितने दिन हो गए? जिस शनिवार को की थी हमने सुबह। ये पता तो आज चली, अभी हमने हॉस्पिटल का कैमरा दिखाया है। जिस कैमरे को देखी आप पहले, उसमें वो लेटिंग करने के लिए तो गया केवल, उसके बाद बाहर निकल के नहीं आया वो। मतलब जानकारी मिली तो उसकी डेट जब उन्होंने देखा खिड़ी हुआ तो उसमें बड़ी बटा रहा उसमें। इसको जिम्मेदार हॉस्पिटल ऐसे जिम्मेदार तो और कौन है? इसकी सफाई कर्मचारी है, इसकी कोई देखभाल नहीं है। मतलब सफाई कर्मचारी होगी, क्या हो रहा है इसमें अंदर? अब क्या हिंसा मिला मेरे को और क्या चाहिए? कैसे हुआ है वो? चार बच्चे, दो लड़की है उसकी छोटी छोटी, एक लड़का है उसको 3 साल का, लड़की शादी लाके। सर ये आज जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में सर्जिकल वार्ड में एक पेशेंट की लाश पड़ी हुई है, 3-4 दिन से गायब था अस्पताल से। क्या प्रॉब्लम? सुबह ही उस पेशेंट की एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो है पेशेंट गायब है, तो मैंने उसको दिखवाया और स्टाफ वालों का भी स्टाफ का फोन आया। उन लोगों ने बताया कि जो है ना एक डेथ बॉडी उसमें मिली हुई है। पेशेंट एडमिट था यहाँ काफ़ी दिन, 3-4 दिन पहले एडमिट हुआ था। बाकी जानकारी जैसी आएगी नहीं तो सर, पेशेंट इस तरह चला जाता है तो इस बारे में अपने स्टाफ कोई राउंड डॉक्टर आते हैं उनको बता देते होंगे। हाँ, स्टाफ की जिम्मेदारी होती है, वो पर्ची पे पूरा अंकित होगा, वो देख के छुट्टी ले गया क्या हुआ ये तो पता पड़ा होगा ना। आपने सर्चिंग नहीं कराई स्टाफ ने आपके? नहीं, मुझे तो अभी आज बताया गया है। संबंधित वार्ड में डॉक्टर रहते हैं, नर्स रहते हैं, क्योंकि जो केस सीट होती है वो देने के पास होती है। उसकी सूचना जो है ना पूरे मैनेजर को सब लोगों को दी जाती है कि ये पेशेंट एब्सकॉन्डेड है। सर एक चीज और जो समझ में आती है कि बाथरूम में आपके डेली सफाई होती होगी, लेकिन वो 3-4 दिन से मरीज वहाँ बाथरूम में है तो क्या सफाई कर्मी उस बाथरूम तक नहीं पहुँच रहे? वो जाँच का विषय है, मैं जाँच कर। सर ये आज जिला अस्पताल के वार्ड के बाथरूम में सब मिला के आप पूरा मामला? ये इनके परिजनों का ये कहना है कि ये भर्ती थी जहाँ अस्पताल में, उसके बाद आज इनकी डेड बॉडी मिली है। परिवार परिजनों ने बताया तो आके देखा तो बॉडी इनकी है, आगे जांच कर रहे हैं, जांच में जैसा भी होगा कार्रवाई की जाएगी। तो क्या लगता है कब से ये बॉडी भर्ती था? 9 तारीख से। 10 तारीख को उसके खोने की रिपोर्ट इसके प्रबंध परिजनों ने थाने पर की थी, उसकी जाँच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या लगता है बॉडी आज की है? नहीं अभी तो जी डॉक्टर साहब बताएंगे, इस बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।